हाय किड्स, हाय सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आज देखो हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, ठीक है? अब एक्टिविटी क्या है कि सब बच्चों के पास ज्योमेट्री बॉक्स है, यस सर, उसमें पेंसिल भी है, यस सर। तो हमने जो तराजू कल बनवाया था आपसे, जो आप घर से बना के लाए हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपने बना के लेके आए हो, दिखाओ जरा कैसे बनाया है ये। ये देखो, ये बनाया आपने तराजू, ठीक है, ओके। अब देखो इस तराजू में आपको क्या करना है, इस तराजू में हम बाद में चेक करेंगे, पहले खुद आपको सोच के एक चित्र बनाना है, एक ड्राइंग बनानी है कि जिसके जो ये तराजू, इस तराजू में दो पलड़े हैं, तो एक पलड़े में आपको रखनी है पेंसिल और दूसरे पलड़े में रखना है अपना ज्योमेट्री बॉक्स। तो अब आपको एक यहाँ पर फिगर बनाना है, एक ड्राइंग बनानी है तराजू की। जैसे ये तराजू है ना, ये तराजू तो बिल्कुल सीधा है, इसका मतलब इन दोनों तराजुओं में क्या है, वेट्स क्या है, बराबर है। लेकिन अब जब हम एक पेंसिल बनाएंगे और एक ज्योमेट्री बॉक्स बनाएंगे तो उनके वेट तो एक जैसे है नहीं, तो कैसे बनाओगे आप? कोई बच्चा बना सकता है सोच के? तो जो ये हम तराजू बनाने वाले हैं, इसमें जो पलड़ा होगा, एक पलड़ा नीचे एक पलड़ा ऊपर होगा, ये दोनों बराबर होंगे? सर, एक पलड़ा नीचे होगा, एक पलड़ा ऊपर। एक पलड़ा नीचे होगा और एक पलड़ा ऊपर, ऐसा क्यों? क्योंकि सर, जो भारी चीज होती है वो हमेशा नीचे जाती है। वेरी गुड, क्योंकि जो भारी चीजें होती हैं वो कहाँ रहती हैं? नीचे। और जो हल्की चीजें रहती हैं वो ऊपर। तो यहाँ पर जो ये वाला पलड़ा है, ये नीचे वाला पलड़ा है या ऊपर वाला? ऊपर वाला। ये देखो ना, ये वाली जो डंडी है, तो ये पलड़ा कहाँ जा रहा है? नीचे। तो इसमें क्या आएगा? बॉक्स। वेरी गुड। ठीक है, बन गया ये वाला? Yes, sir. ये काफी ऊपर हो गया, जैसे इतना ऊपर भी नहीं होना चाहिए था, ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि पेंसिल हमारी काफी हल्की है ना, और वेट, और जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो तो क्या है, काफी भारी। तो यहाँ पर हमने रखी है पेंसिल और यहाँ पर हमने रखा है बॉक्स, ठीक है। ये वाली जो डंडी है, ये वाली डंडी हमेशा कैसी रहती है? सीधी। क्योंकि ये सिर्फ जो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन सिर्फ हिलता है, ठीक है। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या ऐसा रियलिटी में हो रहा है या नहीं। अब देखो, जो ये वाला जो तराजू है, इस तराजू में हमने क्या रखना है, एक तरफ हमने रख दी देखो पेंसिल, ठीक हो गया। अभी देखो, अभी हमने जो पेंसिल रखी है तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, नीचे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ज्योमेट्री बॉक्स में रखेंगे, जो ज्योमेट्री बॉक्स वाला पोर्शन है वो सीधे कहाँ चला जाएगा, नीचे। देखो हो गई ये टेढ़ी, ठीक है, क्योंकि ये सही से बना हुआ नहीं है ना। रखो रखो ऐसे रखो, ठीक हो गया। तो ये वाला पोर्शन कहाँ चला गया है, नीचे। इसका मतलब जो ये ज्योमेट्री बॉक्स है ये कैसा होता है, भारी। तो इसका मतलब जो भारी चीजें हैं वो कहाँ जाएंगी, नीचे, नीचे। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो जैसे ये वाला जो तराजू ना, इसमें एक सुई भी होती है, ठीक है, सुई होती है, कांटा होता है ऊपर, तो वो कांटा किधर की तरफ चलता है, वो तो सीधे में रहता है, वो बिल्कुल बीच में रहता है, वो कहीं नहीं जाता, वो तो वैसे ही खड़ा रहता है। मतलब जैसे ही आपने क्या कर लिया, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक कांटा है, तो ये कांटा जैसे ही सीधा हो गया, इसका मतलब चीजें क्या हो गई हैं, बिल्कुल बराबर। आप सामान लेते हो ना, आप जाते हो दुकान में कि हमको एक किलो चीनी दे दो, तो एक किलो चीनी देने का मतलब है कि आपका जो है वाला आपको कांटा देखना है, सामान या तराजू नहीं देखना, आपको सिर्फ कांटा देखना है कि कांटा क्या होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। जैसे ये कांटा सीधा हो गया, इसका मतलब सही तुल रहा है सामान, और अगर कांटा बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, इसका मतलब या तो हाँ, इसका मतलब सही नहीं तोल रहे, जो दुकानदार है वो आपको क्या बना रहा है, बेवकूफ़, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है, कर लोगे?